Now next C program to find first occurrence of given character from a given string. Suppose थ्रेड अगर आपके पास कोई भी entered string available है, runtime string available है, इस runtime string में से find out क्या करना है, first occurrence of given strings. For examples, simple string है apple. Apple के respect में बात करें, अगर apple के अंदर अगर आपको search क्या करना है, just character as searching character is, और you want to index of p, character capital P. Then इस केस में जस्ट मैं फंक्शन क्रिएट कराऊंगा इंडेक्स ऑफ. बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ पी फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग. इस स्ट्रिंग के अंदर अगर ए की बात करें, ए का इंडेक्स क्या है 0, पी का इंडेक्स क्या है 1 2 3 4. क्लियर. इस केस में जस्ट करंट केस में या गिवन स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में रिटर्न क्या करेगा, जस्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ पी. देखा जाए तो इस केस में पी 2 टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन इस केस में जस्ट फर्स्ट इंडेक्स क्या है इसका 1. तो इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, जस्ट 1. बट सपोज दैट मैंने इस प्लेस पर सप्लाई किया जाए इंडेक्स ऑफ सी. इस स्ट्रिंग के अंदर सी कहीं फाउंड हो रहा है क्या, नहीं. सपोज दैट अगर आपने कोई भी नॉन मैचिंग कैरेक्टर फाउंड सर्च के पास किया है, अगर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, देन इस केस में रिटर्न क्या करेगा -1. -1 क्या है, फेल्ड कंडीशन, मीन्स कैरेक्टर नॉट फाउंड. अदरवाइज ये रिटर्न क्या करेगा, ऑकरेंस ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग्स. तो इस केस में फाइनली फंक्शन के अंदर टोटल आर्ग्यूमेंट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, 2 आर्ग्यूमेंट, स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर. जस्ट मैं फंक्शन नेम यूज करूंगा एज अ इंडेक्स ऑफ. व्हाट इज द रिटर्न टाइप, रिटर्न क्या होगा, इससे इंडेक्स वैल्यू, किसी भी स्ट्रिंग का इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर नंबर, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंटीजर. जस्ट मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूं, आप इसको जस्ट कॉल कर लो इनसाइड मेन फंक्शन, देना आपके कोई भी स्ट्रिंग टेस्ट करना पॉसिबल है. जस्ट वी आर यूजिंग फंक्शन नेम एज इंडेक्स ऑफ. देन इंडेक्स ऑफ के केस में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में सप्लाई क्या करेंगे, स्ट्रिंग, इसलिए आर्ग्यूमेंट टाइप यूज करेंगे एज अ कैर स्टार एस. एस क्या है, इसमें पॉइंटर, और आप सिंपली एरे डिक्लेरेशन के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हो. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड किया कैरेक्टर वैल्यू, इसलिए मैंने यूज किया कैर सी एच. सी एच क्या है, इसके इसमें फाइंडिंग कैरेक्टर. नेक्स्ट वन कुछ भी नहीं करना आपके पास, जो भी गिवन स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट आपको विजिट करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू पोजिशन ऑफ द नल फ्रॉम 0 इंडेक्स. तो इस केस में स्ट्रिंग को विजिट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, फोर लूप और मे बी व्हाइल लूप. तो लूप को मैनेज करने के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा इटरेटिव वेरिएबल समथिंग आई. आई के केस में फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, जस्ट 0, इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन 0 से स्टार्ट करेंगे. सेम है प्रीवियस टर्म्स, कब तक परफॉर्म कराना, जब तक ए ऑफ आई के अंदर नल नहीं आ जाता है. जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल होगा या नल के इक्वेलेंट होगा, आप कंडीशन लगा सकते हैं नॉट इक्वल्स टू नल, और सिंपली ओनली ए ऑफ आई इज ऑल्सो सफिशियंट. बिकॉज जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल होगा, तो नल के रिस्पेक्ट में कंडीशन के प्लेस पर सप्लाई क्या हो जाएगा, 0. 0 मीन्स कंडीशन बिकम्स फॉल्स. अदरवाइज प्लेस पर रिप्लेस क्या ऑलवेज आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर, मीन्स नल के अलावा जितने भी कैरेक्टर हैं सभी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, और किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से जस्ट रिप्रेजेंट क्या होता है, कंडीशन इज ट्रू. नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस. देन इस केस में जस्ट आपको सर्च क्या करना है, पोजिशन ऑफ सी एच. तो सी एच के रिस्पेक्ट में अगेन अप्लाई करेंगे इनर इफ और इफ इनसाइड लूप. देन इस केस में सी एच का वैल्यू एवरी टाइम मैच और कंपेयर किससे कराओगे, वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई. अगर सी एच का वैल्यू आई के किसी भी इंडेक्स के लिए मैच होता है, देन इस केस में इमीडिएटली रिटर्न क्या करा दोगे. सपोज दैट इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहा होगा, 0. 0 के रिस्पेक्ट में मैच हो रहा है क्या, नहीं. नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हुआ होगा, 1. मीन्स ए ऑफ 1 के लिए मैच हो रहा है. देन इस केस में अगर आई का वैल्यू 1 है, देन इसका इंडेक्स भी क्या है 1. तो आपको रिटर्न भी क्या कराना, सेम इंडेक्स, और इंडेक्स किसके थ्रू मैनेज हो रहा है, वेरिएबल आई के थ्रू. जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इमीडिएटली इस फंक्शन से आप रिटर्न क्या कराओगे, वैल्यू ऑफ आई और करेंट वैल्यू ऑफ आई. दूसरा पॉसिबल केस क्या है, सपोज दैट अगर एक कैरेक्टर मैच नहीं होता है, मीन्स अगर एक कैरेक्टर किसी से भी मैच नहीं हो, तो फाइनली इस केस में लूप का कंडीशन टर्मिनेट किससे होगा, व्हेनेवर ए ऑफ आई बिकम्स नल. जैसे ए ऑफ आई का वैल्यू नल हो जाएगा, उस केस में कंट्रोल कहेंगे आउट ऑफ लूप. तो इसका मतलब एक गिवन कैरेक्टर सी एच ए ऑफ आई के किसी भी वैल्यू से मैच नहीं हुआ, इस स्ट्रिंग के किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं हुआ, देन उस केस में रिटर्न क्या कराओगे, सिंपली रिटर्न -1. -1 इज अ फेल्ड कंडीशंस.
दिस इज द इंडेक्स ऑफ फंक्शनैलिटी. देन जस्ट टेस्ट करने के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं मेन फंक्शन. मेन फंक्शन की जस्ट कॉमन स्टेप फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग डिक्लेरेशन. तो स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग सिंपली मैं यूज करूँगा कैर एस सम एरे विद मैक्सिमम साइज एज 100. इन एरे के लिए वैल्यू रीड कराने के लिए यूज कर सकते हो आप गेट्स फंक्शन और मे बी स्कैन ऐप. गेट्स में सप्लाई किया करो एस, देन एस के थ्रू रन टाइम पर कीबोर्ड से डेटा रीड होगा. इसके जस्ट बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है, इंडेक्स ऑफ रिक्वायर्ड कैरेक्टर. आप चाहो तो एक और कैरेक्टर भी रीड कर सकते हो सी एच. बफर को फ्लश करने के लिए यूज क्या करोगे एफ प्लस फंक्शन एफ प्लस एस डी डी इन. इसका वर्किंग में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ड्यूरिंग कंसोल ऑपरेशन. देन इसके जस्ट बाद आप रीड क्या करोगे सी एच इक्वल्स टू गेट केयर. गेट केयर और गेट्स फंक्शन को कॉल करने से जस्ट पहले आप चाहो तो कोई मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हो सम यूजर स्पेसिफिक मैसेज. देन इसके जस्ट बाद आप कॉल क्या कर सकते हो जिस कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड आउट करना है डायरेक्टली उसका इंडेक्स प्रिंट करा लेंगे बाय यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन. तो प्रिंट एफ के अंदर जस्ट डिस्प्ले क्या करोगे इंडेक्स ऑफ परसेंट सी. परसेंट सी मीन गिवन कैरेक्टर एज परसेंट डी. तो इंडेक्स किसका फाइंड आउट करना है सी एच का. तो इसलिए डिस्प्ले क्या करा लो परसेंट सी के प्लेस पर क्या प्रिंट कराएंगे सी एच प्लस परसेंट डी के प्लेस पर क्या सब डिस्प्ले कराओगे इंडेक्स. और इंडेक्स आपको रिटर्न कौन करेगा इंडेक्स ऑफ फंक्शन. तो नेक्स्ट केस में प्रिंट एफ के अंदर जस्ट कॉल क्या करा सकते हो इंडेक्स ऑफ प्लस इंडेक्स ऑफ के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में क्या पास करोगे स्ट्रिंग एस और सेकेंड आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे वेरिएबल सी एच और कैरेक्टर वेरिएबल सी एच. क्लियर. दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ इंडेक्स ऑफ फंक्शन.